बनती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। अपने दिल से मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, उनकी जिंदगी को बचा पा रही हूँ या उनके दिलों में अपनी जगह बना पा रही हूँ। यह प्रोग्राम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह महिला दिवस है ये नहीं कि महिला दिवस है तो आज के दिन ही महिला है, औरतें हैं तो कल है, औरतें हैं तो कल है, औरतें हैं तो घर है, औरतें हैं तो आज है, औरतें हैं तो सब कुछ है। हमारी घर की माताई बहनी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडी हो, चाहे पढ़ाई करने वाली हो, हर एक का हमारे देश में पूरा योगदान है। अगर कोई पायलट है जो हवाई जहाज उड़ाने जाता है, उसकी घरवाली उसे खाना बना कर देती है, उसकी माँ से खाना बना कर देती है, उसको पौष्टिक आहार मिलता है, वो एक औरत दे रही है। हम घर से निकलते हैं माँ का आशीर्वाद लेते हैं, तड़प जाते हैं राखी वाले दिन जब बहन का प्यार नहीं मिलता, बहन हमारे पास राखी बंधवाने की लगन नहीं आती, हमारी राखी बांधने के लिए नहीं आती तो हम तड़प जाते हैं। औरत कुछ नहीं चाहती, सिर्फ चाहती है मान और सम्मान, इसके अलावा औरत कुछ नहीं चाहती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य मनाया जाता है। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, उसने अपने सोच को बदल दिया है। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मजदूरी से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक की हर क्षेत्र में वह अपनी योग्यता साबित कर रही है। कोरोना वायरस महामारी हो, स्वास्थ्य, जरूरी सेवाएं, शिक्षा, देखभाल कर्मियों और अन्य भूमिकाओं में महिलाएं अपना अहम योगदान दे रही हैं। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा महिलाओं को सम्मान करें, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरित करें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। हमारे देश का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर पढ़ाओ कैसे? घर से बाहर बेटियां निकल नहीं सकती हैं, दुश्मन कोई और नहीं हमारे घर में कैसे पढ़ाओ? दुश्मन कोई और नहीं हमारे घर में कैसे पढ़ाओ? माँ बाप कमाते कुछ है, उतना ही पैसा उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं, बच्चे भेड़िए बैठे हैं, तो उनसे ही शादी के लिए इतना सारा दहेज चाहिए तो कहां से पढ़ाए? फिर वो बात तो सिर्फ एक ही चीज सोच कर रह जाता है कि मैं इसको पढ़ाऊं, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊं या फिर उसके दहेज के लिए पैसे जुटाऊं। ये कभी लड़की जब पैदा होती है तो लड़की को कहते हैं बेटी प्रिंसेस है, हर घर में होता है, जब कोई बेटी पैदा होती है तो हर घर में बोला जाता है बेटी प्रिंसेस है। प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। जब हमें दुनिया वाले खुद कह रहे हैं हम राजकुमारी हैं, तो हम अपने पिताजी को एक राजा क्यों नहीं बना सकते? ठीक है पिताजी नहीं हो रही है शादी, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे लिए अगर किसी से कर्जा उठाते हैं, कुछ करते हैं, इससे अच्छा है ना मैंने जितना पढ़ा है अपने आप आगे कुछ करूं, इतना सक्षम बनूं कि कोई मुझसे शादी करने के लिए पैसा ना मांगे, सिर्फ ये बोले कि मुझे ये बेटी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा, लड़कियों को आगे निकलना होगा और हम औरतों को आगे निकलना होगा।